नमस्कार, स्वागत है आपका एनएनसी न्यूज में। मैं हूं लोकेंद्र त्यागी और आप देख रहे हैं न्यूज नाइट फटाफट। आइए शुरू करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। जिंदल स्टील के अध्यक्ष और कांग्रेस सांसद नवीन जिंदल ने जी मीडिया के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज की है। मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट है लागू हो चुका है और 5 मार्च के बाद जी न्यूज और जी बिजनेस लगभग 85 प्रोग्राम जो है वो मेरे खिलाफ दिखा चुके हैं, जो कि बिल्कुल और आप पूरी दुनिया को मालूम है कि जी न्यूज ने हमारे से 100 करोड़ रुपए उगाह रहे थे, तो जिसके खिलाफ हमने जी न्यूज के खिलाफ हमने पुलिस में FIR की थी। असम के मुख्यमंत्री तरुण गगोई चुनाव प्रचार के दौरान नांगांव में एक रैली को संबोधित करते हुए बीजेपी और AGP पर जमकर निशाना साधा। गगोई का कहना है कि कांग्रेस ही देश को एक मजबूत सरकार दे सकती है। दरअसल गगोई पार्टी प्रत्याशी जंजोली बरुआ और गौरव गगोई के प्रचार में ताबातोड़ 2 जनसभाओं को संबोधित किया। आपको बता दें कि असम में 7, 12 और 24 अप्रैल को चुनाव होने वाले हैं। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बीजेपी नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी के नेता कांग्रेस से डर गए हैं, इसलिए वो सुरक्षित सीट की तलाश कर रहे हैं। पीएम पद के प्रत्याशी के बाद स्वयं भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय राजनाथ सिंह से होती, जो कांग्रेस प्रत्याशी श्री राज बब्बर जी के सामने निश्चित हार का गाजियाबाद में सामना करने की बजाय अपना जिला और निर्वाचन क्षेत्र गाजियाबाद का छोड़कर लखनऊ चले गए। बीजेपी में टिकट को लेकर घमासान लगातार जारी है। सोनीपत लोकसभा सीट से टिकट नहीं दिए जाने पर नाराज हरियाणा भाजपा सचिव प्रदीप सांगवान ने बगावत कर दी है और समर्थकों के साथ पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह के घर विरोध प्रदर्शन किया। नहीं, इन्होंने सारी बात अंदर रखी है जो बाहर हम बता रहे थे और उन्होंने बात करके वो इस पे निर्णय लेंगे, जिससे कि हमें उनसे संतुष्टि नहीं है। जो हमने बता दिया उनको कि 1-2 दिन के टाइम में नहीं हुआ तो हम आजाद इलेक्शन लड़ेंगे और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। चुनाव की तारीखें जैसे जैसे नजदीक आती जा रही हैं, वैसे वैसे बीजेपी में टिकट को लेकर मचा घमासान अब सड़कों पर दिखने लगा है। दरअसल उत्तर प्रदेश के घोसी लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी ने हरिनारायण राजभर को अपना प्रत्याशी बनाया है, इसे लेकर स्थानीय कार्यकर्ताओं में नाराजगी है और इसी के चलते नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश के प्रभारी अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह का पुतला फूंका। उनका कहना है कि बाहर से आए हुए प्रत्याशी मौजूद नहीं है। मऊ के बाहर का प्रत्याशी दिए हैं, इस पर हम लोगों का विरोध है। हमको जिले का लीडर चाहिए, जिले का नेता चाहिए, बाहरी प्रत्याशी हम स्वीकार नहीं करेंगे। हम लोग 13 साल 300 साल से संघर्ष कर रहे हैं, जिले में चौपाल कर रहे हैं, हम लोग जाके बीच बीच में अपनी बात को रख रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, लेकिन हमको टिकट नहीं मिल रहा है। प्रदेश की सपा सरकार में सत्तासीन नेताओं मंत्रियों की गणेश परिक्रमा करने वाले पुलिस अधिकारियों के नेतृत्व में गोंडा पुलिस की बोगस पुलिसिंग के चलते होली खेलते समय सिंचाई विभाग के एक संविदा कर्मी की होली जानलेवा बन गई। दरअसल नगर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में संविदा कर्मी अपने परिवार के संग होली खेल रहा था और रंग रास्ते से गुजर रहे स्विफ्ट कार सवार पर पड़ गया। बस इतनी सी बात पर नाराज कार सवारों ने संविदा कर्मी पर फायर कर और फरार हो गए। खून से लथपथ सरकारी चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है, तो वहीं पुलिस अपराधियों की तलाश में जुट गई है। घर में थे, बैठे थे, नाश्ता वास्ता कर रहे थे, तो बुला के गोली मार, सब 4 लोग थे। ये खतरे से बाहर हैं। मैंने और जो हमारे ADC SP CEO साहब ने घटना निरीक्षण कर लिया है और मुलजिम को पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है और शाम तक आज पकड़ लेंगे। जहां पूरा देश होली की मस्ती में डूबा हुआ था, तो वहीं गोंडा में छोटी सी बात को लेकर गांव के दबंगों ने एक युवक को गोली मार दी। घायल अवस्था में उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है।
दरअसल देहात कोतवाली क्षेत्र के हासिमपुर सिंघाव गांव में होली खेलकर नहाने नदी के घाट जा रहा था, तभी गांव के कुछ नामचीन दबंगों ने उसके सिर से सटाकर कट्टे से फायर कर दिया। पता नहीं साहब का कुछ दुश्मनी हुआ नहीं, तीन लोग थे साहब। होली के दौरान जो है आपस में एक गांव के लोग दूसरे गांव की तरफ जा रहे थे, तो वहां उन्होंने रंग डाल दिया, जिसपे आपस में विवाद हुआ, उसमें गोली चली थी, एक दो लोग पकड़े गए, इनके पास से कट्टे बरामद हुए। नक्सली हमले में मारे गए आदिवासी नेता महेंद्र कर्मा के बेटे और कांग्रेस के बस्तर से उम्मीदवार दीपक कर्मा ने नक्सली हमले को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह पर जमकर निशाना बोला। दीपक कर्मा ने कहा कि उनके पिता की हत्या को 9 महीने हो गए हैं और 9 महीने के अंदर यह दूसरी बार नक्सलियों ने हमला किया है। NIA के साथ साथ CBI जाँच के लिए भी आवेदन कर दिया, अपने अंदर खुद झांक कर देख ले कि वो कितने सही हैं, फिर कौन दोषी है नहीं है उसका फैसला तो कोर्ट करे। और फिलहाल फटाफट खबरों में इतना ही। देश दुनिया की सभी खबरों के लिए देखते रहिए NNC News। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।